आज एक बच्चा जो है इंजीनियर बनता है उसके 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं इंजीनियर बनने में, और उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, ये समस्या है। सरकार की नीति बहुत खराब है, इस सब चीज को देखते हुए हम सरकार के खिलाफ है। जो सरकार का रवैया है वो सिर्फ दमनकारी नीति का रवैया है, तानाशाही रवैया है। बीजेपी की सरकार की जो पॉलिसी है नो कथनी और करनी में दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर आके प्रधानमंत्री की और सरकार की नियत पे डाउट होता है, जब उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंपनी को लगाया। सर आप ये बताइए कि कोई कंपनी जब प्रॉफिट में चल रही है, इसकी मिनी रत्ना सेकंड के लिए एलिजिबिलिटी हो चुकी है, अगर गवर्नमेंट हमें एक 5 साल का और मौका दे तो ये कंपनी 1,000 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में जाएगी, लेकिन इसको जबरदस्ती, एक तो क्योंकि चूंकि ये राष्ट्रहित में काम कर रही है, डिफेंस में काम कर रही है, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए एक आदमी को देना है। ये मिलकर कर रहे हैं, इसका डिसइन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सरकार की नीयत खराब है, कहीं ना कहीं सरकार का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी और जो एक डिफेंस का प्रोडक्ट बनाती है, डिफेंस के इतने ऐसा शिफ्टर जो बनाती है वो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंपनियाँ बनाती हैं, तो उन्हें भी वो अनदेखा कर रहे हैं। ये कंपनी का जो निर्माण हुआ था किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं था, ये समाज को और ये देश को इसके हित को देखते हुए हुआ था, और इन पब्लिक सेक्टर का निर्माण देश की सुरक्षा के लिए हुआ, देश की आज़ादी में लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं हुआ, फिर भी CEL पिछले 5 सालों से लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है, इस साल नेट प्रॉफिट में है, गवर्नमेंट की देनदारी दी वापस किया जो भी गवर्नमेंट ने दिया था। एक तरफ तो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर या जो भी सार्वजनिक संस्थान लोग सोशल वर्क उसमें काम कर रहे हैं हम उनको नहीं छेड़ेंगे, दूसरी तरफ दूसरा उनका पॉइंट था जो स्ट्रेटेजिकल है, देश के फायदे में है या देश के हित में काम करेंगे उनको नहीं छेड़ेंगे, तीसरा ये था जो प्रॉफिट दे रहे हैं हम उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम तीनों पर ही खड़े उतर रहे हैं कि हम सोशलिस्ट भी काम कर रहे हैं, हम सोलर में काम कर रहे हैं, शुरू से हम सोलर में देश में पहला हमारा संस्थान है, हम डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं जो देश हित में है और इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम करता है, तीसरा हम प्रॉफिट दे रहे पिछले 5 साल से। 77 में हमने पहला सोलर सेल बनाया, 78 में हमने सोलर पैनल पहला बनाया, 92 के अंदर हमने 2 पावर प्लांट यूपी के अंदर घोषी और कल्याणपुर में इरेक्ट किया, और तब से लेकर अब तक हम सोलर के फील्ड में है, 150 वाट के मॉड्यूल से लेकर हम 300 वाट तक के मॉड्यूल अभी हम इनहाउस बनाते हैं, इसका सेल से लेकर पूरे काम हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से द्वारा डेवलप किया हुआ है, हम उसमें एक्सपर्ट है, इवन हम फ्लेक्सिबल मॉड्यूल भी बनाए जो रेलवे के ट्रेन के छतों में लगते हैं, फ्लेक्सिबल जो रेडियस में छत होने की वजह से उसका भी निर्माण हम करते हैं, जैसे समय समय पर सरकार की इवन जितने भी पार्किंग एरियाज है उसका छत बनाने का, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके छत में सोलर मॉड्यूल लगाने के, ये सब काम हम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नीशियंस है जो इस काम को बेखूबी निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। तीसरा एरिया है हमारा रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ट्रैक सेफ्टी से संबंधित हम काम करते हैं, ट्रैक में मतलब आप देखे होंगे कि एक ट्रेन के पीछे एक ट्रेन आजकल एक ही ट्रैक पे छोड़ते हैं, उसको ब्लॉक वर्किंग कहते हैं, और एक्सीडेंट होने की संभावना है जो उसको ख़त्म करते हुए पूरी इंडियन रेलवे के अंदर हम सप्लाई करते हैं। भारत के अंदर CEL अकेला एक संस्था है जो गवर्नमेंट संस्था है जो इस काम को कर रहे हैं, और हम इसमें सक्षम है और बेहतरी से काम कर रहे हैं। जब लोग देश में सोलार के बारे में जानते नहीं थे उस टाइम 1978 में ये सोलार वगैरह का कार्यक्रम शुरू हुआ हमारा सोलार का, और सोलार का एक इंची से जब रिसर्च शुरू में एक सेल बना तो यहाँ मिठाई बटी और बड़ा अप्रिसिएशन हुआ, मंत्रालय से भी अप्रिसिएशन मिला कि सोलार के मामले में उस टाइम वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में 3रा नंबर था इसका सोलार के बारे में, और उसके बाद वो एक इंच से शुरू करते करते आज की डेट में CEL में 6 इंच का सोलार सेल बन रहा, पैनल बन रहा। हम लोग बहुत सारी जगह जो रिमोट एरिया हैं, नक्सलाइट बेल्ट हैं, डिफेंस के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के इनके बॉर्डर पे इन लोगों को बैटरी चार्जेस और दूसरी बहुत सारी चीज़ें
जहाँ कोई भी ये प्राइवेट वाला कोई तैयार नहीं होता, वहाँ सीएल ने इस सब चीज़ को पहुँचाया है। सरकार ने एक इसकी यूआई निकाली हुई है जिसका डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 100% वो निजीकरण करने के उसके तहत माने इसका 100% कंट्रोल किसी प्राइवेट उद्योगपति को देने की पूरी मंशा है सरकार की। सरकार की नीयत और नीति में दोनों में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो कहना कुछ और चाहती है कि इसको हम निजी हाथों में दे के इसका विकास और होगा, लेकिन उसका विकास कैसे होगा वो किसी व्यक्ति का विकास करेगी इसको दे करके। और ये जो है हमें लग रहा है कि सरकार की नीयत जो है सही नहीं है, वो सिर्फ जो है अभी 60 एकड़ जो ज़मीन है उस ज़मीन को हत्याने की वजह से जो है इसको प्राइवेट बिल्डर्स को देना चाहती, जिससे जो है हम सब लोगों का रोजगार जो है सब खतरे में है। बहुत ही प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, दिल्ली के नज़दीक ऐसी कोई ज़मीन अभी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अपने किसी चहेतों को इसको लाभ देना चाहती है, क्योंकि 50 करोड़ की कीमत कोई खास कीमत नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ की बेचेगा। बाकी का जो पैसा 2019 का जो चुनाव आ रहा है बैकडोर से सरकार को देगा। ये सरकार इसे डिसइन्वेस्टमेंट कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसके पीछे, क्योंकि NCR में इतनी लैंड किसी की नहीं है जितनी लैंड यहाँ पर है। और UI जो निकाला है इन्होंने, कोई भी पान के दुकान वाला भी जिन्होंने पिछले 3 साल में 50 करोड़ की बिजनेस किया हो एलिजिबल है। कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा गया है। ये सोची समझी साजिश है सरकार किसी निजी आदमी को देने की, जैसे राफेल को इन अंबानी ग्रुप को दिया है, ऐसे CEL भी उनके निशाने पे होगा। जो हमारा UI है उसमें ये कह दिया कि कोई भी PSU अलाउ नहीं है, यानी कोई पब्लिक सेक्टर इसमें बिड ही नहीं कर सकता, सीधे सीधे क्लियर कर दिया, यानी प्राइवेट हाथों के लिए रास्ता साफ कर दिया कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही कोई आदमी इसको खरीद सकता है। अब जिसमें चूँकि हमारी ज़मीन है 60 एकड़ ज़मीन है और बहुत ही मौके की ज़मीन है, दिल्ली NCR में है, अब ये कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को सोची समझी रणनीति के तहत देने के लिए इसलिए क्राइटेरिया में डायलूट किया गया है। टेक्निकल एलिजिबिलिटी का कहीं उसमें नाम नहीं है, PSU को बिल्कुल डिबार कर दिया गया है। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जानबूझ के किसी एक आदमी के लिए सारी बिडिंग की तैयारी हो रही है, जिससे अभी मेरे मित्र ने इन्होंने बताया कि जिससे इतने परिवार जुड़े हुए हैं उनकी सबकी रोजी रोटी खतरे में है। करीब 10,000 लोग परिवार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये उनके जीवन यापन पे भी खतरा है। प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके का सरकार का नियंत्रण है रोजगार पे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को स्पष्ट है कि सैलरी कुछ कही जाती दी कुछ जाती है, समय का कोई वहाँ पे मापदंड नहीं है। ये इसलिए सबका जीवन यापन भी खतरे में है, और ये जो धरोहर है एक संपत्ति है राष्ट्र की, एक एक करके इसी तरीके में बेची जा रही है। ऐसे सप्लायर्स हैं, कम से कम 200-250 सप्लायर्स हैं जिनका भी रोजी रोटी, उनके परिवार की रोजी रोटी चल रही है। इससे कम से कम 10,000 घर परिवार बेघर हो जाएंगे अगर इसका निजीकरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकार बोल रही है कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके रक्षा कॉरिडोर बनाएंगे जो कानपुर से नोएडा तक बनेगा, इसमें प्राइवेट कंपनीज भाग लेंगी और उनको बहुत सारी फैसिलिटी जैसे ज़मीन पर सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सब्सिडी है, वो सब्सिडी दी जा रही है। एक तरफ तो 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने को जा रही, हमारी कंपनी को सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी को बेच के गवर्नमेंट लेना क्या चाह रही। मोदी जी की इस गवर्नमेंट की एक नीयत खराब रही है कि एम्प्लॉयमेंट का जब वो सत्ता में आए थे तब उन्होंने वादा करा था कि हम सत्ता में आए तो 3 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरी चली गई है इन 4.5 सालों में, वो अपना वादा फुलफिल नहीं कर पाए। आज भी इस देश के अंदर स्वीपर गटर के अंदर उतर कर अंदर पानी के सड़े हुए पानी के अंदर उतर कर सफाई करता है, वो देश की समस्या है। तीसरी समस्या है आज भी अभी भी 8 महीने की 6 महीने की साल भर की बच्चियों को नोचा जा रहा है, वो समस्या है, ये समस्या नहीं है। फलते फूलते संस्थान को ख़त्म करना ये समस्या नहीं, जो समस्या उन पर अटैक ही नहीं हो रहा है। अगर ये सरकार अपनी इस निजीकरण की नीति को वापस नहीं लेती है तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार इस सरकार के अगेंस्ट एक मुहिम चलाएंगे और किसी भी कीमत पे जो सरकार को ऊपर बैठाया हमने इसको नीचे भी लेके आएंगे। सरकार ने सिर्फ पैसा लगाया है इसके अंदर में, खून पसीने से हमने इस कंपनी का किस पोजीशन में लाया है, इसमें काफ़ी योगदान है कई लोगों का, हम सभी का योगदान है, तो हम इसको किसी प्राइवेट के या किसी निजी हाथों में जाने से
100% रोकेंगे। रफेल में जैसे उन्होंने चुपचाप अंबानी अडानी को दे दिया था, वो चुपचाप किसी को अपने दोस्त को ये सीएल देना चाहते हैं, लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट विंटर सेशन में हम पार्लियामेंट तक जाएंगे और हम किसी तरीके से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी भी कीमत पे सीएल का निजीकरण हमें स्वीकार ही नहीं है। सरकार को हम इतना मजबूर कर देंगे कि ये निजीकरण का फैसला वापस लेगी। आप देश से लेना क्या चाह रहे हो? अल्टीमेटली हमें डर लग रहा है कि ये सब कुछ जो है एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है कि देश का सर्वनाश हो रहा है। हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे मरते दम तक। हमें इसके लिए कहीं से कहीं तक भी जाना पड़ा, हम वहाँ तक जाएंगे। हर एम्प्लॉय कल के लिए बहुत परेशान है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। हमें सरकार से जवाब चाहिए। हम इस कंपनी को किसी ताकत में बिकने नहीं देंगे और बीजेपी सरकार को बिल्कुल फाड़ कर फेंक देंगे। इसे जो है हम आगे सरकार नहीं बन देंगे। सबका विकास तो नहीं हुआ, कुछ लोगों का जरूर इन्होंने विकास किया है, बाकी आम पब्लिक खतरे में है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बेचने में हो, किसी भी रूप में आम आदमी के पक्ष में बीजेपी सरकार नहीं रही, ना मोदी की पॉलिसी रही। बात कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, अंधेरे में रखते हैं लोगों को, और उनके साथ के कोई भी आदमी उनके खिलाफ बोलने में चाहे किसी भी पद पे हो, इवन हमारा होम मिनिस्टर से भी हमने मिला था, क्योंकि वो पिछला MP था हमारे इस एरिया का, उन्होंने भी बोला कि कार्य कठिन है, क्योंकि मोदी जी हमारा नीति आयोग का चेयरमैन है, उनका डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इन हालातों में हमें जनरल पब्लिक, भारत की जो देश प्रेमी लोग हैं, उनकी सहायता चाहिए, उनकी एकजुटता चाहिए, जो हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहें, ताकि आगे आने वाली चुनाव में किसी भी सूरत में बीजेपी सरकार को गाजीबाद से जीतने नहीं दिया जाएगा, अगर सीएल के साथ ये कंडीशन रहेगी तो। मजदूरों से मत टकराओ। हर चोर जुलम की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर चोर जुलम की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोल मजदूरों, हल्ला बोल, हल्ला बोल।